नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरस। और अभी हम गुरुग्राम में के सदर बाजार में मौजूद है, जहां पे अभी ताजी जो घटना है ये बताई जा रही है कि डकैती हुई है। जानने का प्रयास करते हैं। लूट हुई थी, हाँ, एक चीज नजर बता रही है भाई साहब, एक लूट हुई है भाई साहब। पुलिस द्वारा अभी कुछ भी बताने से इनकार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें थोड़ी सी डिटेल, हम आपको बता दें कि गुप्ता ज्वेलर्स गुरुग्राम के सदर बाजार में जैकबपुरा में जो अभी यहाँ पे एक दिन दिहाड़े डकैती हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। कितना नुकसान यहाँ पे हुआ है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या है कि व्यापारी वर्ग चिंता में है। इससे पहले भी ज्वेलर्स के ऊपर बहुत से हमले हो चुके हैं, लेकिन आज फिर एक बार बताया जा रहा है कि गन पॉइंट के ऊपर गुप्ता ज्वेलर्स में आज लूटपाट हुई है, डकैती हुई है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर वायरसच के द्वारा पहले भी अनेकों बार मुद्दा उठाया जा चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन क्यों मौन है, क्यों यहाँ पे रूटीन में गश्त नहीं की जा रही। आइए एक बार हम व्यापारियों से जानने का प्रयास करते हैं, आखिर क्या मामला था, क्यों यहाँ पे हुआ। सर आज क्या हुआ था जी? नमस्कार जी, आज क्या हुआ था? आज यहाँ पे जी सरेआम लूट हुई है और डकैती हुई है, और हम कभी भी प्रशासन से ये उम्मीद नहीं रखते थे कि बाजार में ऐसा हो सकता है। भरे बाजार के अंदर दिन दहाड़े कि एक सस्पेक्ट आता है, आराम से वो गेट खुलवाता है, हेलमेट उसने पहना हुआ है, बैग उसने काउंटर पे रखा है, दुकानदार को बोला है चैने इसके अंदर भरो। ऐसा लग रहा था उसको किसी भी तरह का कोई भी खौफ नहीं है, उसके हाथ में कट्टा भी नहीं था। साफ रिकॉर्डिंग में आ रहा है कि उसके हाथ में अच्छी पिस्टल थी, उन्होंने आके पिस्टल दिखाई है, सारा सामान निकलवाया आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं हुई है, सारा कैश गल्ले में से लेके गए हैं। हमारी भाभी जी ने हिम्मत करके डोर लॉक भी करे हैं, लेकिन जब वो जाने लगा डोर नहीं खुले तो उसने भाभी जी को पिस्टल दिखाई है कि लॉक खोलो। अब ये तो लेडीज है, हम कह रहे हैं अगर इसकी जगह जेंट्स भी होता वो भी अपना सब कुछ दे देता, क्योंकि उसको अपनी जान प्यारी है। लेकिन मैं प्रशासन से ये कहूंगा, पिछले एक साल से यहाँ पे गश्त 0% है। हम प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हर एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद या तो यहाँ बाइक राइडर आए या जिप्सी राइडर आए और प्रॉपर यहाँ पे दो या तीन जगह नाके लगाए जाए। सर ऐसी अपील ज्वेलर्स के द्वारा बार बार की जा रही है, हमले भी हो चुके हैं, गोलियां भी चल चुकी है, उसके बाद भी प्रशासन मौन है, तो अभी ज्वेलर्स अगला कदम क्या करेंगे सुरक्षा को लेके? हमने अभी भी, अभी वेदपाल जी आए थे, CIA क्राइम 17 सेक्टर भी आई थी, हमने सबसे यही विनती करी है और यही रिक्वेस्ट करी है कि हमारे बाजार को व्यापारियों के लिए सुरक्षित किया जाए। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हम लोग बाजार में व्यापार कैसे कर पाएंगे, हम तो इसका मतलब अपने घर जाके ताले लगा लेंगे। और मेरी प्रशासन से एक रिक्वेस्ट हो रहा है, जो बाजार के अंदर अवैध पटरियां लगाई जाती हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। उसके लिए पूरा व्यापार मंडल आपके साथ है, पूरी सेंट्रल मार्केट आपके साथ है, और हमसे आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, हम आपके साथ तन मन धन से हमेशा के लिए तैयार है। कितना नुकसान हुआ आज, क्या क्या मान लेंगे? आज का जो नुकसान हुआ है 1 से 1.5 लाख रुपए कैश गया है और 6 से 6.5-7 लाख रुपए का गोल्ड गया है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो व्यापारी एक दिन ऐसा आएगा जो सड़कों पे उतर जाएगा और हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और हड़ताल करनी पड़ेगी। सर पुलिस के द्वारा अभी तक क्या आश्वासन दिया गया? पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया है, पुलिस आई है, उसने अपने एक्शन लिए, उन्होंने हमारे गुप्ता जी जो दुकान के मालिक है, संचालक है, उनका पूरा बयान लिया है, हमारी भाभी जी से लिया है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, बात होती है कि हमें सुरक्षा किस तरीके से दी जा रही है। गुड़गांव का बाजार सबसे ज्यादा टैक्स भरता है, सबसे ज्यादा GST देता है और पूरे हरियाणा को चलाने वाला गुड़गांव का बाजार है, तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ ऐसी उपेक्षा क्यों की जा रही है। आशीष जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि पहले बहुत बार आप आवाज उठा चुके हैं सुरक्षा को लेकर सदर बाजार के अंदर जितने भी इश्यूज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है और बार बार अटैक पे अटैक ज्वेलर्स के ऊपर हो रहे हैं। इससे पहले भी अगर बात करें तो एक गोली का मामला सामने आया था वर्मा जी के, तो अभी आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैंने अभी तकरीबन 15 दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से एक बात कही थी कि बाजार में पुलिस प्रशासन की गश्त बढ़ाए, ये सब काम करें, लेकिन प्रशासन ने एक चीज नहीं सुनी, ना पटड़ी बाजार हटा, ना कोई MCG के कमिश्नर साहब, किसी ने कुछ नहीं सुनी। इवन सिक्योरिटी को लेकर सबसे बड़ी मुहिम रखी थी हम ज्वेलर्सों ने कि हम ज्वेलर्सों के ऊपर सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। कहाँ है सिक्योरिटी, किधर है सिक्योरिटी? आप सुबह से लेकर शाम तक के यहाँ के, मैं कहता हूँ गुप्ता जी की दुकान के बाहर के अगर हम CCTV फुटेज निकलवाएं, हम निकलवाते हैं पुलिस के लिए, तो हम दिखाते हैं पुलिस की कितनी गश्त लगती है, एक भी चक्कर नहीं लगता। हम दिखाते हैं
पुलिस के सबूत हमारे पास है कि हम ये हमारी पुलिस कितने गश्त लगाती है। सदर बाजार के कैमरों के अंदर हम गश्त दिखाते हैं कि सदर बाजार में कितनी पुलिस की गश्त लग रही है। सर सिक्योरिटी लेवल हरियाणा के अंदर गुड़गावा जीरो है, जीरो। हम लोगों से पैसे वसूलने का, चाहे उसमें कोई सी भी अपनी एमसीजी हो गई, कोई टैक्स वसूली हो गई, सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं हम लोग, उसके बावजूद हम लोगों को कोई सर्विस नहीं है। हम लोगों के लिए, गुड़गांव के लोगों के लिए कुछ नहीं है, नथिंग। गुप्ता जी, आप आज मैं एक छोटी सी गुप्ता जी की तरफ से बात करना चाहूंगा। पिस्टल दिखा के वो बंदा गुप्ता जी के से सामान ले गया, अगर किसी के ऊपर चल जाती तो किसी के घर से आदमी चला जाता। जब प्रशासन जगेगा कहां, ये पटड़ी बाजार कब हटेगा, ये पटड़ी बाजार कब हटेगा, जो कि बाजार को एक सिक्योरिटी लेवल मिले। कहीं कोई सिक्योरिटी लेवल नहीं है हम दुकानदारों के लिए। जी गुप्ता जी, आपसे जानने का एक बार प्रयास करेंगे कि आज क्या मामला हुआ था। आज मैं दुकान पे नहीं था, बेटा भी दुकान पे नहीं था, मैडम अकेले थी। तभी एक हेलमेट पहन के अंदर घुसा और उसने, एक हमारे मिलने वाले पंडित जी हैं वो बैठे हुए थे, शास्त्री जी, मेहरचंद शास्त्री, उनके पिस्टल लगाई, उनसे कहा कि भाई इसमें बैग में भर दो। उनको ये नहीं पता कस्टमर है या वो है, उन्होंने सोचा दुकान के मालिक है, तो उन्होंने कहा भाई छोड़ दो। जब शास्त्री जी ने पिस्टल देखी तो वो ढीले हो गए और फिर मैडम से काउंटर में से चेने निकलवाई, वो डायमंड लगे हुए लॉकेट थे वो ले लिए, कैश निकलवाया। इतने में मैडम ने लॉक कर दिए डोर, तो जब वो जाने लगा तो डोर लॉक मिले, तो उन्होंने कहा गोली मार दूंगा नहीं तो लॉक खोल दो। मैडम ने डर के मारे लॉक खोल दिया और वो दो मिनट में, ये सारा वाक्य दो मिनट से ज्यादा का नहीं है। कितना नुकसान हुआ? 1.5 लाख के करीब कैश गया है, बाकी गोल्ड है, अब गोल्ड की वैल्यू अभी लगाएंगे, उसमें डायमंड के पेंडल लगे हुए थे। सर पुलिस को कैसे इन्फॉर्मेशन दी, कितने देर में आई पुलिस? हमारी इन्फॉर्मेशन, मैं बाहर से आया तो मैडम ने बताया, 10-15 मिनट लग गए हमें आने में यहाँ, तो आए के फिर हमने देखा, हमने पहले अपनी वीडियो देखी क्या क्या हुआ, फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया, पुलिस 15-20 मिनट में यहाँ आ गई थी। सुरक्षा को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन है वो भी कुछ बताने से कतरा रहा है और कुछ व्यापारी वर्ग है, सुरक्षा को लेके बार बार यहाँ पे जो मांग की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि दिन दिहाड़े, आपको एक बार दोबारा से बता दें कि गुरुग्राम के सदर बाजार में दिन दिहाड़े डकैती हो जाती है। गुप्ता ज्वेलर्स की इस समय अगर हम बात करें, यहाँ पे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ सिर्फ तमाशा देखने वालों की नहीं है, ये भीड़ उन सहमे हुए लोगों की है कि लोग डरे हुए हैं आखिर बाजार के अंदर दिन दिहाड़े किस प्रकार यहाँ पे डकैती हो जाती है। और मामला पहली बार नहीं है, ये अनेकों बार ऐसा मामला हो चुका है कि दिन दिहाड़े गन पॉइंट के ऊपर सदर बाजार के अंदर और गुरुग्राम के अन्य इलाकों में ज्वेलर्स के ऊपर जो गन पॉइंट के ऊपर जो यहाँ पे डकैतियां हो रही है। आखिर प्रशासन कब जागेगा, आखिर प्रशासन क्यों मौन है, सुरक्षा को लेकर इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे, पटरी बाजार को लेकर वायरस हट के द्वारा भी अनेकों बार आवाज उठाई गई है, लेकिन क्या किसी बड़ी अनहोनी के इंतजार में है प्रशासन? आखिर किस बड़ी अनहोनी के इंतजार में गुरुग्राम प्रशासन है, किसका इंतजार कर रहा है कि क्या नुकसान हो? गोलियां भी चल गई, घायल भी हो गए, दिन दिहाड़े गन पॉइंट के ऊपर लूट भी हो गई, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन भी बताने से कतरा रहा है। और अगर यहाँ के व्यापारियों की माने तो उनका कहना है कि पुलिस की गश्त मात्र जीरो है, अगर सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए, अगर ऐसा बिल्कुल सही है तो प्रदेश के गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज से गुहार है, वायरस सच की गुहार है कि गुरुग्राम आपका आर्थिक पूत है, आपको कमा के देता है, एटलीस्ट यहाँ के व्यापारियों की सुरक्षा आपका दायित्व बनता है, और वो सुरक्षा की बार बार दिन दिहाड़े गन पॉइंट के ऊपर यहाँ पे वारदातें हो रही है और प्रशासन मौन है। आपको काम करना होगा, मुख्यमंत्री जी को काम करना होगा। गुरुग्राम सदर बाजार के हालात बिल्कुल खराब है, यहाँ पे एंट्री कोई पॉइंट नहीं है। और अगर बाजार के अंदर हम देखें कि पटरी बाजार को लेकर, इंक्रोचमेंट को लेकर अनेकों अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके वायरस हट लगातार यहाँ पे मुहिम उठाता रहता है और आवाज उठा रहा है, और जो गुरुग्राम के व्यापारी है वो अब सिर्फ सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि हम आवाज उठाए तो कहाँ उठाए, सुनने वाला कोई नहीं है। और आपसे भी यही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि एक्चुअल में ये वहां तक पहुंचे जहां कहीं ना कहीं गुरुग्राम के व्यापारियों को राहत मिल सके।